अरे यार तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुके अपने कौन न्यू वीडियो के साथ वापस, और वापस से हमारा चल रहा है भाई डुओ कौन का रैंक पुश, वो भी खतरनाक तरीके से। तो गेम प्ले की बात करते तो आज का गेम प्ले बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने क्या ही मस्त वाला चिकन डिनर निकाला था, वो भी दूसरे मैच में, क्योंकि दो मैच तो लगते ही है। और भाई साहब यहाँ पे तो बंदे कूद जाते दो दो, तो हम लोग उधर से कल्टी मारते हैं और इस साइड में आते हैं, और यहाँ पे रिकॉल पे आने के बाद रिकॉल लेते हैं, और बंदे लोग भी रिकॉल लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन इनकी गाड़ी ठुक जाती है, दूसरा वाला बच के बग जाता है। तो लो शॉटगन का गुम्मा, अब इसको मारने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और एक और बंदा यहाँ पर आके बड़े सा घर में कैंप करता रहता है, तो मैं शॉटगन लेके चढ़ जाता हूँ। प्रिंस भाई ने यहाँ पे ग्रेनेड किया, लेकिन बंदा ऊपर चढ़ा हुआ था, पता नहीं कैसे चढ़ा, मुझे भी नहीं पता। तो देखो भाई ऊपर चढ़ने के बाद भी इसको शॉटगन टिका देता हूँ, और ये बंदे को नॉकआउट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद इससे बातें बातें करते हैं, और इसके बाद इधर से निकल लेते हैं हम लोग। तभी यहाँ पे दो बंदे गाड़ी में जा रहे थे रिकॉल लेके, तो देखो एक बंदे को खींच देता हूँ, दूसरा वाला बंदा बहुत तेजी में जा रहा था, मतलब वो निकल ही जाता है, क्योंकि वो पकड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास मिराडो है, तो वो निकल जाता है। उसके बाद इसके टीममेट को फिनिश करना पड़ता है हमारे को, क्योंकि वो तो निकल चुका है, तो इसका तो भाई किला अपन को चाहिए चाहिए, तो इसको फटाफट से फिनिश करते हैं और हम लोग गाड़ी लेते हैं जोन के लिए निकल लेते हैं। तभी यहाँ पे दो बंदे रहते हैं जो फायरिंग करके हमारे को बुलाते हैं, तो चलो भाई अब इनको बजा देते हैं। यहाँ पे गिरते ही प्रिंस भाई नॉक हो जाते हैं, इनको बाद रिवाइव करता हूँ मैं, और उसके बाद इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ उड़न खटोला लेके। अब देखो सामने की तरफ से एक बंदा आ रहा था, तो इसको नॉक कर देता हूँ, दूसरा वाला बंदा वो रहा सामने, तो मैं ग्रेनेड करता हूँ, तो वो थोड़ा क्लोज इन करने लग जाता है, तो ये ग्रेनेड इधर ही गिर जाता है और मैं डैमेज हो जाता हूँ। लेकिन उसके बाद प्रिंस भाई का ग्रेनेड जाता है, और पता यार बच्चों बच्चों को क्या होने वाला है, और प्रिंस भाई के ग्रेनेड से आज तक कोई बच ही नहीं पाता है। अब यहाँ पे चार किल हो चुके थे, मैंने देखा फटाफट से हील वील करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ूंगा, और बंदे बंदे मारने की ट्राई करूंगा। तो इनकी पेटी वेटी लूटने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और सामने की तरफ से यूएमपी से फाइट वाइट चल रही थी, तो इधर तुम्हारे भाई ने अच्छा खासा डैमेज दिया। अब यहाँ पे प्रिंस भाई ने नॉकआउट दे दिया था, तो हमने देखा चलो भाई फटाफट से पुश कर लेते हैं, क्योंकि चारों तरफ से पड़ने लग गई थी, तो गाड़ी लेते हैं हम लोग और सीधा पुश कर देते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई की एचपी इतनी कम थी, और यहाँ पे दो दो बंदे के सीधा मुंह पे गाड़ी रुक जाती है, और यहाँ पे बस उतरते पहले तो प्रिंस भाई नॉक हो जाते हैं, दूसरे वाले को मैंने नॉक किया, तीसरा वाला भाई मेरे को, मतलब दूसरा वाला मेरे को नॉक कर देता, क्योंकि मैंने एक को ही तो नॉक कर पाया था। उसके बाद यहाँ पे रिकॉल का टाइमिंग देख सकते हो, सिर्फ 50 सेकंड बचे हुए, और यहाँ पे हम लोग फिनिश नहीं हुए तो भाई रिकॉल नहीं हो पाएंगे, और ये मैच में 100% माइनस लग सकता है, क्योंकि भाई 42 अलाइव है, ठीक है। उसके बाद कैसे ना कैसे मैं उन बंदों के साइड में चला जाता हूँ, क्योंकि देखो ये तो फिनिश करेंगे नहीं, वो बंदे भले फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंस भाई फिनिश तो हो जाते, लेकिन मैं फिनिश नहीं हो पाता हूँ, लेकिन बाद में कैसे ना कैसे आगे तरफ बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे 25 सेकंड थे, तभी ये राइट वाला बंदा मेरे को फिनिश कर देता है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे फिनिश होने के बाद मैं गाड़ी वाड़ी लेते हैं हम लोग, और जोन के लिए जगह बनाते रहते हैं, बहुत मुश्किल होती है जगह बनाने में, तब जाके हमारे को यहाँ पे एक छोटा सा जगह मिल जाता है। मैंने देखा चलो भाई इधर ही होल्ड करते आराम से खेलेंगे, क्योंकि पीछे से कौन बंदे आएंगे। तभी दो बंदे आते, एक को प्रिंस भाई नॉक किए, अच्छा लगता दोनों को मैंने मार दिया। अब यहाँ पे दोनों को मारने के बाद फटाफट से इनकी पेटी वेटी थोड़ी सी लूट वूट करता रहता हूँ, तभी पीछे की तरफ से बंदे लोग उड़न खटोला यूज करके आ जाते हैं। अब उसके बाद देखो फिर क्या होता है, हम दोनों के दोनों को भाई पीछे से वो बंदे लोग निपटा देते हैं, पता नहीं कैसे यार क्यों किया हमारे साथ ऐसा, पता नहीं क्यों ही किया यार। चलो भाई 21 प्लस हुए, थोड़ी देर और सर्वाइवल मिल जाता तो कुछ ज्यादा प्लस हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा मैच लगाते हैं, और इस मैच में सिर्फ प्रिंस भाई बजाने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई सिर्फ लास्ट में बजाएगा, ठीक है। यहाँ पे शुरू होते तुम्हारे भाई ने यहाँ पे एक बोर्ड भाई सबको किसी ने नॉक करके जा चुके थे, तो मैंने देखा चलो भाई पहले किल ले लेते हैं, बाद में देखेंगे जो होगा, ठीक है। अब एक एक गन ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि गन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यार घोसों से फाइट तो अपन लेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक एक गन लेने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और सामने की तरफ एक और बंदा ऑफलाइन हो रखा था, तो जिसके ऊपर मैं गाड़ी चढ़ा देता हूँ, लेकिन पता नहीं ये बंदा मरता नहीं क्यों नहीं है। मैंने देखा यार शायद ग्लिच हो रखा मेरे को, लेकिन बाद में जब गाड़ी चढ़ाता हूँ तो मर जाता है। मैंने देखा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, दो किल हो चुके हैं यहाँ पे, आगे के जाके थोड़ा सा और किल करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इस साइड में आता हूँ, मेरे को यहाँ पे बंदे बंदे दिखे थे, जो बंदा घर के अंदर रहता है एक, तो हम लोग सीधा इनके ऊपर पुश करते हैं, और ये बंदा नीचे ही रहता है। अब इस बंदे का नाम ध्यान में रखना, क्योंकि ये बंदा दो बार मरने वाला, ठीक है। इसका दूसरा बंदा सामने से आ रहा था,
अब इसको मैं नॉक कर देता हूँ और फटाफट से मैं देखता हूँ, पहले फिनिश ही कर देता हूँ, बाकी बातें बाद में होगी। इसको फिनिश करता हूँ, प्रिंस भाई को रिवाइव करता हूँ जब तक ये बंदा वापस से रिकॉल होकर आता और हमारे पे कर देता है पुश। फिर क्या था, प्रिंस भाई ने इसको अकेले ही निपटा दिए, पता नहीं क्यों ही पुश किया यार। उसके बाद हम लोग गाड़ी लेते और इधर से हम लोग रवाना हो जाते हैं। अब 4 किल हो चुके थे तभी यहाँ पे ड्रॉप गिरा रहता है, पीछे की तरफ से बंदे आते हैं गाड़ी उड़ा के। देखो भाई क्या ही गाड़ी उड़ा रहा भाई, तो अब ये बंदा आते ही एकदम सीधा गिरते ही नोक हो गया। मैंने इतना सारा डैमेज दिया, दूसरे वाले बंदे को प्रिंस भाई ने निपटा दिया। अब यहाँ तक एकदम मैच सही चल रहा था, प्रिंस भाई ने तो भाई बहुत ज्यादा किल विल कर रहे हैं। और इस साइड में आता हूँ मैं, तभी एक बंदा दिखता है, हमने देखा चलो भाई एक किल तो मैं ले लूंगा, लेकिन इसको भी प्रिंस भाई निपटा देते। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसकी पेटी में से मेरे को मिल जाता ग्रोजा। अब ग्रोजा मिल जाता तो भाई इसका कमाल आप देखना। अब आगे चल के ठीक है, यहाँ पे 4 किल हो चुके तुम्हारे भाई को बहुत देर तक सर्वाइवल लेने के बाद। बंदे बहुत सारे बचे हुए थे और यहाँ पे छोटा सा जोन हो चुका था, कोई भी जगह जोन में नहीं बच रही थी। ये घर लेने की ट्राई करता हूँ, राइट में ये सारे जगह बंदे बंदे, घर में दो दो बंदे जो हमारे को अच्छा खासा डैमेज कर देते हैं। प्रिंस भाई को भी यहाँ पे नॉकआउट कर देते, लेकिन कैसे ना कैसे करके बचाता हुआ मैं लेकर आ जाता हूँ यहाँ पे। अब ये जगह में आते तो भाई एक दो जोन तो यहाँ बन जाता, लेकिन अब देखो यहाँ पे जब से जोन बनता तो तुम्हारा भाई धीरे धीरे करके कैसे किल निकालेगा। सबसे पहले सामने एक बंदा दिखता है जिसको टेप टेप करके मार देता हूँ, ठीक है। राइट की तरफ एक बंदे को प्रिंस भाई मारते रहते हैं, तो इसको भी टेप टेप करके लाऊंगा। इसको भी निपटा देता हूँ। फिर एक बंदा लेफ्ट की तरफ रहता है, तो मैं ग्रोजा में लगाता हूँ 3x, क्योंकि M4 में एमओ कम थी और स्प्रे भी देना रहता है, तो इसको भी टेप टेप करके निपटा देता हूँ। कुल मिला के यहाँ पे 6 बंदे बचे हुए रहते हैं। सामने तरफ से 2 बंदे उनके ऊपर पुश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास जोन नहीं था, और सामने वाले घरों में जोन तो था लेकिन सामने वाले बंदों के पास जोन नहीं था, तो वो सामने वाले घरों में पुश कर देते हैं। अब उन दोनों बंदों की 2v2 की फाइट थी। प्रिंस भाई ने एक को नॉक कर दिया, दूसरे वाले को कोई दूसरा बंदा मार देता है। वहां पे एक टीम ऑलरेड हो गई थी। अब जो लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था, इसका किल कोई और दूसरा चुरा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ था, मतलब प्रिंस भाई को किल मिल गया। अच्छा, प्रिंस भाई का ही नॉक था वो। अब एक ही बंदा बचा हुआ रहता, प्रिंस भाई सीधा उड़न खटोला लेके पुश कर देते हैं। मैंने देखा रुको भाई, हमारे पास भी उड़न खटोला है, ऐसी बात नहीं है, तो मैं भी यहाँ पे उड़न खटोला लेके पुश कर देता हूँ। अब सामने एक ही बंदा बचा हुआ रहता है, जिसपे बहुत सारा ग्रेनेड मोली करने के बाद बच जाता हो। मैंने देखा चलो भाई एक और मोली ये भी कर ही देते हैं, तभी वो बंदा प्रिंस भाई के ऊपर पुश कर देता है। अब देखो कैसे बचाता हूँ उसको, हमारी भैंस के टाट कोपचे में इसको गोली वोली पड़ जाती और ये तुम्हारे भाई का हो जाता इजीली चिकन डिनर। भाई कैसा वो एकदम खतरनाक वाला मैच था ये, हम लोग बहुत पहले मर सकते थे, लेकिन कैसे ना कैसे बच करके ये वाला मैच हमारे चिकन डिनर निकल गया। और प्लस की बात कर लेते हैं, तो प्लस तो बहुत अच्छा खासा प्लस हुआ था इस मैच में, तो 31 प्लस हुए। तो भाई 31 प्लस कौन कर लोबी में, बहुत अच्छा प्लस होता है। तो यही था आज से गेम प्ले, आप लोग बताना कैसा लगा आज से गेम प्ले। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते कल शाम 7 बजे एक और बुमबार धमाकेदार गेम प्ले के साथ। अब पहले तो मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि हर दिन मैं रैंकिंग तो दिखाई देता हूँ। तो भाई आ गया ना अपन 8000 के अंदर आ चुके, 7712 रैंक चल रहा हमारा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत जल्दी अभी 500 के अंदर भी आएंगे। तो ये था अच्छा गेम प्ले, ठीक है, जो भी करना हो आप लोग कर देना। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक और बुमबार धमाकेदार गेम प्ले के साथ। और मैं आपको एक और बात बोल दूं कि जल्दी से शॉर्ट वोट देख लिया करो, सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। तो मिलते कल शाम 7 बजे एक और बुमबार धमाकेदार गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, तुम्हारे भाई का चैनल का भी ध्यान रखो। तो मिलते कल शाम 7 बजे, लव यू, टेक केयर, सुड ड्रीम, गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, चैनल को सब्सक्राइब करके जा।